हेलो गाइस नमस्ते, और आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। और गाइस आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है मेरी बेटी का बर्थडे और मैं आज थोड़ी सी प्लीज़ लेट हो गई, सॉरी। तो गाइस आज सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई व्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ। पिछले हफ्ते तो मजबूरी धोने पड़े, तो मैंने कपड़े धोए हैं, धो के मैंने साइड रख दिए हैं, अभी सुखाए नहीं है। तो डेकोरेशन थोड़ी सी की है मैंने, और जज के चलते मैंने बर्थडे मनाया नहीं है इतना जैसा कि मैंने आपको बताया। और तो छोटा सा बच्चे का दिल भलाने के लिए इतनी छोटी सी डेकोरेशन की है मैंने। अभी बलून हम जब ही फुलाएंगे, जब साथ के साथ, क्योंकि ना बलून फूट सारे ख़राब हो जाते, फूट जाते हैं। तो गाइस मैंने करनी है साफ़ सफाई, और मैं सुबह से साफ़ सफाई में लगी पड़ी हूँ। तो वैसे तो खैर बच्चे ही आएंगे, पर फिर भी फर्क पड़ता है। तो ठीक है गाइस, बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, रुद्राक्ष ने भी तल्ले मारे आज। तो गाइस रुद्राक्ष पापा गए हैं ऑफिस और आने वाले हैं वो, अभी बज रहे हैं 3। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन, टॉफ़ी सॉरी ट्यूशन में टॉफ़ी वगैरह बांटने, चॉकलेट्स वगैरह। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन और वहाँ से आते हैं तो फिर मैं आपको मिलाती हूँ। तो इतने में मैं करती हूँ कुछ और काम। रुद्राक्ष पापा बोल गए थे मुझे प्याज वगैरह छील लेना, मैं प्याज वगैरह छील के रखती हूँ और थोड़ी सी चाय बना के पीऊँगी गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब हुई हूँ फ्री कपड़े धो के, अभी चादर तो उसी में ही पड़े हुए हैं, अब मैं कल निकालूँगी। धुल तो चुके हैं पर मैं अब नहा धो के, मैं कभी ना लास्ट के कपड़े नहीं निकालती हूँ, तो कल ही धोऊँगी नहाने से पहले। तो मिलती हूँ आपसे, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो गाइस आज हो गया एक फंडा कि मुझे लानी थी निमृत की ड्रेस कल, और बेचारी की ड्रेस मैं कल याद नहीं रहा कि कल बुधवार है। तो हमारे यहाँ बुधवार को मार्केट बंद रहती है, ज़्यादातर बुधवार को बंद ही रहती है। अब जाके देखती हूँ अगर दुकान खुल रही होगी तो, गाइस अगर दुकान खुल रही होगी तो उसके लिए कोई ड्रेस लेके आती हूँ। तो वैसे तो मेरे ख्याल से कोई दुकान खुल नहीं रही होगी, चलो देखते हैं चल के गाइस।
बर्थडे था। हेलो करो मासी, मासी ये देखो मम्मी, ये बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चों बाय, हेलो, ये ट्विंकल बच्ची हमारी बड़ी वाली, दीदी जा रही है हमारी, बाय चिंटू, बाय, ठीक है मामा, बाय, ओके बाय बाय। तो गाइज सारा काम ख़त्म हो गया है, मैं साथ साथ बर्तन निपटाती गई और फिर लास्ट में की मैंने सफाई। जब तक वो लोग गए नहीं, जब तक मैं बर्तन ही मांजती रही, इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे। बताइयो निमृत, हाँ इधर देख भाई, पूरा सिंक देखो, ये जो सिंक दिख रहा है ना आपको, वो जो ऊपर वाला रैक है उधर तक भरे हुए थे। बताऊंगी गाइस, बर्तन हद से ज्यादा हो गए थे, पर मैं ना साथ साथ मांजती थी। मम्मी अब आप देखो मेरी रसोई साफ पड़ी है। मैं बताऊं, अभी बस निमृत पानी वानी गर्म कर, भाई इतना तो नहीं बोल रहे, पर ना नल का है ना वहां तक तो भर गए थे, इतने सारे एक्स्ट्रा नहीं हो गए थे ऊपर भी। हाँ। और फिर सारे बर्तन खाली कर करके मांजे, मतलब ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे। बर्तन मांजे, साथ साथ खाना खिलाया सबको, और बस बर्थडे हम मनाने वाले नहीं थे गाइस, बताया था मैंने आपको पहले भी, पर ना एक सरप्राइज दिया हमारे को, बड़ी वाली दीदी भी आ गई, मेरे पापा भी। हाँ बड़ी वाली दीदी भी आ गई, कह रही तुमने तो हमें बुलाया नहीं, हम आ गए। मैंने कहा दीदी हम आप ही की वजह से बर्थडे नहीं मना रहे थे। और पहली बात तो उनका घर है भाई, बिन बुलाए नहीं, वैसे तो उन्हीं का ही घर है, पर हम उन्हीं के कारण नहीं मना रहे थे बर्थडे। और दीदी तो कह रही सब काम करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी है, कोई बात नहीं। कह रही मैं अभी वहाँ पे बोर होती, मन ऐसे ही रहता है सिंपल, मैं इसलिए आ गई। मैंने कहा तो दीदी अच्छा करा आपने आ गए, तो कह रही ठीक है, खुश हो रही थी, बच्चों को देख देख के नाच रहे थे बच्चे, नाच रहे थे खूब खुश हो रही थी दीदी, अच्छा लग रहा था मुझे वो खुश हो रहे थे। तो कह रही सब काम करने पड़ते हैं सिंपल, कोई बात नहीं, मनाओ बड़े बच्चे का, बच्चा है ये तो, छोटे बच्चों का मन थोड़ी ना मारते हैं। मैंने तो पहले भी बोला था मत मनाओ मेरा, निमृत भी मना कर रही थी। और गाइस बच्चे नाचे कूदे, उसके चाचा के बच्चे दोनों नहीं आए थे, वो ट्यूशन गए थे, और इसकी दादी वगैरह आ गई थी, फिर दोबारा उन्हें लेने गए थे मैंने। फिर निमृत तो रोने लग गई, मेरे भाई नहीं आए, नहीं रोई थी। हाँ फिर पानी भर गया आँखों में, रोए जा रही। तो फिर उनको बुलवाया मैंने, बच्चे को बर्थडे पर रुलाना थोड़ी था मुझे अपने। तो गाइज मैंने सारा काम करके ना जब ही दम लिया, बस थक गई मैं बहुत बुरी तरह से, बहुत निमृत तेरे कमेंट नहीं आए तेरे हैप्पी बर्थडे के, देखती हूँ अभी थोड़ी सी देर में। तो गाइज आप लोगों ने कमेंट नहीं किए, वैसे हमने देखे नहीं है, शायद आपने किए हो, अगर करे होगे तो सॉरी। आप लोगों को कमेंट करने चाहिए मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो गाइस वैसे मेरे को लेट भी हो गया है ब्लॉग डालने में, तो शायद आपको पता ही नहीं था, तो आप कैसे बच्चे को विश करते। तो मैं जल्द ही ब्लॉग डालने वाली हूँ सारे, और फिर आप लोग देख के कल के ब्लॉग में। और गाइस अगर हमारे गलती से छूट भी जाते हैं व्लॉग, तो हम मिनी व्लॉग डाला करेंगे। अपने से दूर मत कीजिएगा, मैं व्लॉग डाल देती हूँ मिनी व्लॉग आगे पीछे गाइस, जैसे मुझे टाइम मिलता है, पर ना मैं कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि गाइस मेरी सच में, मैं आपको दो एक परेशानी तो आपको मैं शेयर भी नहीं कर सकती, मेरे को ऐसी परेशानी हो रही है, और मैं ना हद से ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे। मैंने टेस्ट वेस्ट कराए थे, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आई है मुझे। तो गाइज मैं, मेरी दवाई वगैरह चल रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकाल के और व्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ मत छोड़िए, हमारा साथ दीजिए प्लीज़। तो ठीक है गाइज, कोशिश पूरी पूरी करूँगी। अब निमृत कह रही मम्मा मैं अभी आपकी हेल्प करूँगी व्लॉग में, तो गाइज अब निमृत भी आपको दिखा करेगी व्लॉग में, कभी निमृत करेगी स्टार्ट, कभी मैं, मतलब हम दोनों मिलजुल के बनाएंगे, जैसा कि हम दोनों का नाम मिलजुल के डला हुआ है। तो गाइस और एक बात और दुख की, ये जो फरीदाबाद में मैंने मामा जी का शेयर करी थी बात, कि
उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई है जय है, जो मेरी चाची का भतीजा, उसके पापा की तबीयत ख़राब थी, उन बेचारों को कैंसर था, तो वो आज शाम को ही चल बसे हैं। तो रुद्राक्ष के पापा कह रहे हैं सिंपल तू कल जाइयो। तो गाइस मुझे तो सच बताऊं डर लग रहा है, इतनी दूर पहली बार अकेले मैं कैसे जाऊंगी, बच्चों को भी लेके नहीं जा सकते, तबीयत भी खराब है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो देखते हैं गाइस कल क्या होता है क्या नहीं, देखूंगी या तो मैं सुबह सुबह निकलूंगी क्योंकि मुझे जल्दी आना भी है लौट के। कह रहे 10 बजे तक ले जाएंगे, तो ठीक है गाइस। और बस दुख भरी बात ये है, और आज मेरी बेटी का बर्थडे था, आज मेरी बेटी हो गई 11 ईयर्स की। मेरी बेटी बड़ी हो गई समझदार। और गाइस परसों बर्थडे मेरा है, और निमृत कह रही है मम्मी गाइस अब मैं 11 ईयर्स की हो गई, अब मैं 6th में जाऊंगी, फिर मैं लूंगी साइंस। साइंस लेगी, अच्छी बात है, लेगी फिर मैं बनूंगी डॉक्टर, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो गाइस मैं इस वॉर में मैं कैसी लग रही हूँ आप बताइए। मेरे को अच्छी लग रही है मम्मी। निमृत कह रही है मम्मा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो गाइस रुद्राक्ष के पापा का मैंने पहन लिया, ऐसे ही पड़ा हुआ था, सुबह धोया था मैंने। पापा पहनते नहीं है वार्मर्स। अरे भी पहनते हैं नहीं पहनते, नखरे करते हैं, अब मैं ही पहनूंगी, सही लग रहा है, हल्की हल्की सी ठंड लग रही है बस। इस पे मम्मी आप जैकेट भी डाल सकते हो। तो गाइस देखती हूँ सुबह में भैया सूट इसी के ऊपर पहन रही हूँ, ठंड हो रही है ज़्यादा। तो गाइस मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज का वीडियो इतना ही, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए प्लीज़। और जो जो चैनल पे प्लीज़ नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, तो कल तक की shadow to my life, did you feel us? Another star, you fade away.